हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्लांट टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। क्लासिफिकेशन के बाद हमने बेंथम एंड हुकर, एंगलर प्रेंटल, इन दोनों का क्लासिफिकेशन डिटेल से देख लिया। फिर हम लोगों ने टैक्सोनॉमिकल टूल्स, टैक्सोनॉमिकल टेक्निक्स, टैक्सोनॉमिकल लिटरेचर के नाम से हर्बेरियम को, बॉटनिकल गार्डन को, म्यूजियम को, की को, फ्लोरा को, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स हम लोगों ने देख लिए। आज जैसा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जितनी भी फैमिलीज हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन, चाहे वो फ्लावर डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो वेजिटेटिव पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन हो, वो करने के लिए अपने को बहुत सारे टर्म्स की जरूरत पड़ती है। हम लोग एक एक वेजिटेटिव पार्ट के एक एक ऑर्गन को लेके चलेंगे। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में आप लोग देखते हो कि इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन आता है? रूट आती है, स्टेम आता है, लीव्स आता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन आता है? फ्लावर आता है, उनका अरेंजमेंट आता है, सीड आता है, फ्रूट आता है। तो इस तरह से पूरी मोर्फोलॉजी अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की देखते हैं या एंजियोस्पर्म की देखते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट भी आएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आएगा। और किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के डिस्क्रिप्शन के लिए उसमें रूट कैसी, स्टेम कैसा, लीव्स कैसा होता है, उसकी इनफ्लोरिसेंस मीन फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, उसका फ्लावर किस तरह का है, फ्लावर फ्लोरल पार्ट्स कौन से हैं, फिर उसका फ्रूट किस टाइप का होता है, ये सारी चीजें देखने के लिए अपने को सारी टर्म्स आनी चाहिए। तो हम आज का अपना एक टॉपिक रहेगा कि मोर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, टर्म्स यूज्ड इन दैट मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। रूट से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेम लीफ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि रूट, स्टेम, लीव्स इन वेजिटेटिव पार्ट का ओरिजिन किससे होता है, तो हम लोग वो डेवलप कैसे हुए रूट शूट, तो आपको पता है मिनी और टाइनी फ्यूचर प्लांट इनसाइड सीड इज, तो किसको नाम लेते हैं? एम्ब्रियो। तो हम लोग सीड को जर्मिनेट करके कैसे रूट बनती है, स्टेम बनती है, वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखते जाएंगे। तो टॉपिक तो मोर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स रहेगा, लेकिन वो डेवलप कैसे होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स हम देखते हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कह दें या हम मोर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स कह दें, एक ही बात है। मोर्फोलॉजी वर्ड का मतलब यहां पे यह है कि एक्सटर्नल फीचर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज मोर्फोलॉजी। और एक्सटर्नल फीचर्स और कैरेक्टर्स में वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हो सकते हैं, और कैसे पार्ट हो सकते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब भी अपने को क्लियर कर समझ में आता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब है कि उसमें रूट्स कैसी, स्टेम कैसा और लीव्स कैसी, ये तो है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स। और जब हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो अपने दिमाग में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज फ्लावर, हम लोग फ्लावर को देखेंगे, फ्लोरल पार्ट्स को देखेंगे, फ्लावर्स के अरेंजमेंट इन फ्लोरिसेंस को देखेंगे, हम सीड की स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग फ्रूट्स को भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें एक एक हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, इस रूट से स्टार्ट करेंगे। रूट का ओरिजिन कैसे होता है, रूट की टाइप्स क्या क्या होती है, रूट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, रूट के मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, यहां से देखते चलेंगे। इसी तरह स्टेम का ओरिजिन देखेंगे, स्टेम की स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टेम के मॉडिफिकेशन देखेंगे, स्टेम के फंक्शन देखेंगे। सेम इसी तरह से लीव्स देख के वेजिटेटिव पार्ट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे,
जब हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। तो ये रूट स्टेम लीव्स का ओरिजिन होता कैसे, तो आप लोग देखना, जैसे मेरे पास ये सीड है और इस सीड में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देखो ये आउटर सीड कोट है, ये देखो सीड कोट, कौन सा आउटर सीड कोट की अगर बात होती है तो उसे टेस्टा कहते हैं, और जब इनर सीड कोट की बात होती है, इनर सीड कोट, तो उसे हम टेगमेन कहते हैं, टेस्टा टेगमेन, ये तो सीड कोट्स हैं। अंदर क्या है इस सीड के, हम देखते हैं कि ये एम्ब्रियो होता है, ये देखो ये एम्ब्रियो के कोटिलेडंस है जिसमें फूड स्टोर रहता है। तो ये अपने पास क्या है अंदर, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म मे बी प्रेजेंट, अगर इस एम्ब्रियो के अराउंड एंडोस्पर्म है तो ऐसे सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, और इफ एंडोस्पर्म इज अब्सेंट हम उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो एंडोस्पर्म की जब बात होती है इट मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट, कहने का मतलब एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये अपने पास एक कोई ड्राई सीड है जिसके अंदर वाटर कंटेंट 10-15% होता है, तो एंजाइम्स भी सारे इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग वाटरिंग करते हैं, आप लोग देखोगे आफ्टर वाटरिंग पानी दिया और वाटर कंटेंट 80-90% हुए और जितने भी एंजाइम्स इनएक्टिव थे एक्टिव हुए, और इन कोटिलेडंस में जो फूड स्टोर है उसका ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन हीट भी लिबरेट होती है, और आप लोग देखोगे उस एनर्जी और हीट लिबरेशन से इसमें रेडिकल और प्लूम्यूल का ओरिजिन होता है। तो जब सीड जर्मिनेट होगा तो इस तरह से, अब आप इसकी पोजीशन देखना सीड की, ये एम्ब्रियो, यहां पे होती है जो सेल्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल सेल्स, और आप लोग देखोगे यहां पे वो रेडिकल सेल्स होती है। तो सबसे पहले आप कहोगे कि ये सेल्स डिवीजन करके प्लूम्यूल बनाती है या ये सेल्स डिवीजन करके रेडिकल बनाती है, तो किसी भी सीड में जब आप देखेंगे जर्मिनेटिंग के टाइम तो इससे सबसे पहले रेडिकल निकलता है, ये देखो, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, इसको हम कहते हैं रेडिकल। इसी तरह ये जो पार्ट अपने को दिख रहा है यहां पे प्लूम्यूल सेल्स हैं, और इस प्लूम्यूल सेल्स में डिवीजन होके नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इस तरह की जो स्ट्रक्चर निकल रही है ये कहलाता है अपने को क्या, प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल है। और एक जगह ऐसी आती है जहां पे दोनों मिलते हैं, ट्रांजिशनल जोन कहलाती है। जब हम लोग वेस्कुलर बंडल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा, रूट्स में रेडियल वेस्कुलर बंडल, शूट में स्टेम में हम देखते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स, ये एक स्टेप यहां आएगी ट्रांजिशनल फेज जहां पे वेस्कुलर बंडल्स कोई स्पेसिफिक टाइप के नहीं होते क्योंकि रेडिकल और ये कॉन्जॉइंट कोलेटरल में चेंज होना होता है। तो इस तरह से, लेकिन इन कोटिलेडंस के ये होरिजेंटल एक्सिस जरूर बनती है, इस एक्सिस को हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए एक वर्ड काम में लेते हैं, टिगेनो, पार्ट ऑफ द रेडिकल जस्ट बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसको हम नाम देते हैं हाइपोकोटाइल, पार्ट ऑफ द प्लूम्यूल जस्ट अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको हम नाम देते हैं एपिकोटाइल। तो ये देखो कितनी टर्म्स हो गई, रेडिकल अपने पास, प्लूम्यूल अपने पास, एम्ब्रियोनल एक्सिस अपने पास, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, टिगेलम। अगर ये मोनोकोट है तो इस रेडिकल के ऊपर कैप पे आप देखोगे कवरिंग टिप होती है जिसको हम कोलियोराइजा कहते हैं, और इसी तरह अगर वो मोनोकोट प्लूम्यूल है
तो उसके टिप पे कवरिंग टिप उसकी कहलाती है कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा भी एक वर्ड्स होते हैं जो मोनोकोट्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे इस तरह की कवरिंग कैप होती है, इसको नाम देते हैं कोलियोराइजा, इसको नाम देंगे कोलियोप्टाइल। बस लेकिन याद रखना ये किसमें देखने को मिलेगा अपने को, मोनोकोट्स में, ये किसमें देखने को मिलेगा मोनोकोट्स। लेकिन टर्म्स कितनी हो गई अपने पास, इनको एक बार समझने की कोशिश करना। इस तरह से रेडिकल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रेडिकल तो रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये प्लिम्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये शूट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जब ये प्लांट कोई ग्रो करता है तो आप देखो ये प्लांट किस तरह का दिखाई देगा अपने को। ये फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है अपने पास और ये इससे का एरियल पार्ट, ये पूरा एरियल पार्ट ग्राउंड सरफेस के ऊपर, इसको हम शूट, और ये अंडरग्राउंड पार्ट जिसको हम रूट सिस्टम, और इसको हम शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पार्ट ऑफ द प्लांट जस्ट अबव द ग्राउंड सरफेस इज शूट एंड जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस इज रूट। तो रूट और शूट सिस्टम अपने पास है। ये रूट जो रेडिकल से बनी, मैं इस रूट को बना रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देना इधर, ये देखो ये जो रूट है सबसे पहले बनी ये, इस रूट को नाम देते हैं प्राइमरी रूट। ये अपने पास प्राइमरी रूट है और इस प्राइमरी रूट से निकली ब्रांचेज, ये देखो अगर इस प्राइमरी रूट से निकली हुई ये ब्रांचेज हैं, ये इन ब्रांचेज को हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। ये देखो सेकेंडरी रूट्स, और इनसे भी अगर फर्दर कोई ब्रांचेज निकलती हैं, ये देखो ये फर्दर ब्रांचेज जो निकल रही हैं, ये कहलाती हैं टर्शियरी रूट्स। टर्शियरी तो इस तरह से प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट एंड दैट होल सिस्टम, ये पूरा तीनों को मिला के टैप रूट सिस्टम कहते हैं। तो टैप रूट सिस्टम इंक्लूड्स प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट, उन तीनों को मिला के टैप रूट सिस्टम कहते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स याद रखना, उनमें इसी तरह का टैप रूट सिस्टम मिलता है। लेकिन मोनोकोट्स में दैट प्राइमरी रूट इज एफीमेरल, ये जो प्राइमरी रूट जो रेडिकल का ये पार्ट है, ये बहुत जल्दी डिजनरेट हो जाता है, ये देखो ऐसे, और इस सूट के बेस से, स्टेम के बेस से इस तरह की रूट्स का ओरिजिन होता है। ये देखो बंच में एक ही पॉइंट से इस तरह की रूट्स निकलती है। नाउ सच टाइप ऑफ रूट्स आर नोन एज फाइबरस रूट्स। मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स की जब बात होती है, मोनोकोट्स, मोनोकोट्स में भी कौन, जैसे वीट है, जैसे राइस है, जैसे मेज है, जैसे बारले है, इनमें आप लोग देखोगे मोनोकोट्स में फाइबरस रूट्स होती है। मोनस्टेरा की बात करें हम, उसमें भी आप रूट्स देखोगे कि इस रेडिकल के अलावा, एक चीज और याद रखना, इनको तो हमने फाइबरस रूट कह दिया, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो स्टेम से ही रूट्स का ओरिजिन हो जाता है, लीफ से ही रूट का ओरिजिन हो जाता है, इंटरनोड से लीफ का ओरिजिन हो जाता है, नोड से लीफ का ओरिजिन हो जाता है, शूट से लीफ का रूट का ओरिजिन हो जाता है। तो इस तरह से इफ रूट्स ओरिजिनेट अदर देन रेडिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस रेडिकल के अलावा कोई भी रूट बनी है, उस रूट को एडवेंटिशियस रूट नाम देते हैं, एडवेंटिशियस। अब दोनों बातों में एक बार फर्क समझना,
फाइबरस रूट भी एक तरह से एडवेंटिशियस रूट की ही टाइप्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स में फाइबरस रूट्स मिलेगी। अब जैसे बनियन ट्री है, बनियन ट्री में तो मेन जो ट्रंक से ब्रांचेस निकलती है उस ब्रांच से प्रोप रूट्स निकलती है, वो भी कहीं रेडिकल से नहीं बनी, इसलिए वो प्रोप रूट्स भी किसका एग्जाम्पल है, एडवेंटिशियस रूट का। तो सच टाइप ऑफ रूट्स विच ओरिजिनेट अदर देन रेडिकल आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट, चाहे वो प्रॉप रूट्स हो, चाहे वो स्ट्रेट रूट्स हो, चाहे वो हैंगिंग रूट्स हो, सारे वो जो रूट्स हैं रेडिकल के अलावा बनी वो सब एडवेंटिशियस रूट्स हैं। फाइब्रस रूट्स भी उसमें से एक है, लेकिन फाइब्रस रूट में इसलिए बता रहा हूं आपको कि जितने भी मोनोकोट क्रॉप्स हैं इनमें बंच में इस तरह की रूट्स होती हैं, दे डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू टैप रूट लाइक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये कभी भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिफरेंशिएट नहीं होती है, इनका ओरिजिन एक ही पॉइंट से होता है। यहां पे आप लोग देखोगे सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स का ओरिजिन अलग अलग पॉइंट से होता है। तो ये तो अपने पास रूट सिस्टम है, ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो ये अपने पास मेन ट्रंक, मेन स्टेम, इस स्टेम से निकली ये ब्रांचेस, ये ब्रांचेस, ये देखो ये इस पे लीव्स, ये फोटोसिंथेटिक लीव्स हो गई अपने पास, और ये यहां पे इस एक्सिस में देखोगे ये बर्ड्स, वेजिटेटिव बर्ड्स जिनको कहते हैं बर्ड, ये फ्लावर, ये अपने पास फ्लावर भी हो गए, ये आप लोग देखोगे कि इट में भी फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो फ्रूट भी बन सकता है, उसके अंदर सीड भी हो सकते हैं, और ये जो बर्ड है टर्मिनल एंड पे, ये इसको नाम ही देंगे हम कौन सी बर्ड, एपिकल बर्ड, और अगर किसी लीफ की एक्सिस में कोई बर्ड निकलती है, जैसे ये बर्ड निकल रही है, ये इसकी एक्सिस में बर्ड निकल रही है, इसको हम नाम देते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो इस तरह से किसी एक टिपिकल प्लांट को जब हम लोग देखते हैं तो रूट में, स्टेम में, ब्रांचेज में, लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट में, बर्ड्स में ये डिफरेंशिएट रहता है। तो ये इस तरह का एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट हम लोग देख रहे हैं अभी इस प्लांट में। तो मोर्फोलॉजी इसकी देखते हैं तो मैंने बताया वेजिटेटिव पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है तो मैंने बता दिया फ्लावर और फ्लावर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सब उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाती है। तो हम लोगों ने एक टिपिकल ये कोई प्लांट ग्रो करते हुए देखा है, और ये सब चीजें बनी किससे वो भी मैंने बता दिया, सीड, और सीड से रिलेटेड ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं एक एक चीज जैसे रूट से स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना आप लोग, ये मेरे पास जैसे मैंने लिखा रूट, इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, ये तो कहोगे इट इज ए वेजिटेटिव पार्ट, और उसके बाद ये तो कहोगे इट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट, ये डेफिनेशन है, इट इज एन अंडरग्राउंड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स विच हैड टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई कि किसी भी प्लांट का वो वेजिटेटिव पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट, जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है उसे हम रूट कहते हैं। ये तो एक सिंपल सा वर्ड हो गया। और रूट्स जब भी आप लोग देखोगे ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में रूट्स क्या क्या कहोगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये जियोट्रॉपिक वर्ड का मतलब ही समझने की जरूरत पड़ेगी।
जियो का मतलब ग्रेविटेशन और ट्रॉपिक का मतलब ग्रोथ। याद रखना बहुत तरह का मूवमेंट प्लांट्स में होता है, जब भी कोई ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होता है उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं ट्रॉपिक, जब भी कोई लोकोमोशन मूवमेंट होता है उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं टेक्टिक, और जब भी कोई टेम्पररी मूवमेंट होता है उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं हम नेस्टिंग। तो यहां पे ट्रॉपिक अगर मैं फोटो लगा दूं तो लाइट इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट, मैंने जियो लगा दिया ग्रेविटी इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट, तो ये जो रूट की जो ग्रोथ हो रही है नीचे की तरफ वो जियोट्रॉपिक टाइप की है। तो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक टाइप बट दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट की तरफ नहीं जाती, अगेंस्ट लाइट जाती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक लेकिन नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, वाटर की तरफ जाएगी वो हमेशा, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ये चीज भी ध्यान रखनी, तीन बातें बताई, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है। कभी भी कोई रूट नोड्स इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट नहीं होती है। आप लोगों को मालूम है नोड उसको कहते हैं, ये देखो ये पार्ट जहां से लीफ का ओरिजिन होता है, ये पार्ट यहां से लीफ का ओरिजिन हुआ तो ये एक नोड है, यहां से ब्रांच निकली तो ये भी एक नोड है, यहां से अगर लीफ का ओरिजिन हुआ ये भी एक नोड है, एंड इन बिटवीन टू नोड्स ये देखो ये जो पार्ट इसको हम इंटरनोड कहते हैं। तो नोड्स और ऐसी इंटरनोड्स होती है, रूट में इस तरह की कोई नोड इंटरनोड में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो रूट्स आर दे आर नॉट differentiated into nodes and internodes। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि कभी भी nodes और internodes में differentiate नहीं हो सकती। तीसरी चीज, जैसी मैंने उसमें बर्ड्स बताई आप लोगों को कि एपिकल बर्ड्स होती हैं, ये कोई एक्जिलरी बर्ड्स होती हैं, लेटरल बर्ड्स होती हैं, एसेसरी बर्ड्स होती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, तरह तरह की बर्ड्स होती हैं, लेकिन इन रूट्स में किसी तरह की कोई बर्ड्स नहीं होती। तो ये भी ध्यान रखना है, वेजिटेटिव बर्ड्स आर एब्सेंट, इन रूट्स में किसी तरह की कोई वेजिटेटिव बर्ड्स नहीं होती। एक्सेप्शनल केसेस अलग है, जैसे मैं कहूंगा कि स्वीट पोटैटो, इसमें ये एक्सेप्शन, दे आर हैविंग बर्ड्स, इनमें बर्ड्स होती है और इसीलिए वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करता है। तो वेजिटेटिव बर्ड्स इसमें नहीं होती। और रूट के फीचर क्या होंगे, दे डू नॉट कंटेन लीव्स, इनपे किसी तरह की लीव्स नहीं होते, लीव्स आर एब्सेंट। और मोस्टली कैसी होंगी ये, नॉन फोटोसिंथेटिक, क्योंकि अंडरग्राउंड है लाइट एक्सपोजर नहीं मिलता, तो मोस्टली कैसी होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक। यहां पे भी एक्सेप्शन है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें रूट्स फोटोसिंथेटिक होती है, एसिमिलेटरी होती है, तो ये भी याद रखना एक्सेप्शन में, ट्रापा, सिंघाड़ा एंड नीम ग्लोय पिनोस्पोरा, बस इनकी रूट्स फोटोसिंथेटिक होती है, ये भी अपने को ध्यान में रखना। तो कैसी हो गई रूट्स, नॉन फोटोसिंथेटिक हो गई, लीव्स इनमें होती नहीं है। और इसके अलावा आप लोग देखोगे कि इनके जब फंक्शंस की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से दो तो हमने लिख दिए कि वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन, ये तो ठीक है कि एक तो किसमें हेल्प करती है ये, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में, दूसरी बात यह ध्यान रखना एनकरेज किसी भी प्लांट को फिक्स रखने में,
एंकरेज में रूट ही हेल्प करती है उस प्लांट को फिक्स करने में। तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट, जितने भी ग्रोथ रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स हैं, मोस्ट ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स का जो सिंथेसिस है रूट्स में होता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन हो ही गए। इसके अलावा आप लोग देखोगे कि बहुत सारी रूट्स फूड स्टोरेज में, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, बहुत सारी लीव्स सपोर्टिंग में हेल्प करती है, बहुत सारी रूट्स आप लोग देखोगे कई बार रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती। कैसे करती मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सपोर्टिंग रूट्स भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी रूट्स भी हो सकती है, और स्टोरेज रूट्स भी हो सकती है। ये मॉडिफाइड रूट्स हैं जो किस किस प्लांट में मिलेगी वो देखेंगे। उससे पहले मैं अगर किसी भी एक टिपिकल रूट के डिफरेंट रीजन्स को देखूं कि इसमें कौन कौन से रीजन्स होते हैं, कि रूट कैप कहां होती है, मेरिस्टेमेटिक जोन कहां होती है, उसकी सेल इलोंगेशन पार्ट कौन सा, मैच्योरेशन जोन कहां है, डिफरेंशिएशन कहां होती है, टाइप्स ऑफ रूट्स क्या है, मॉडिफाइड रूट्स क्या है, मॉडिफिकेशन स्टेप रूट के कौन से होते हैं, मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट्स के कौन से होते हैं, ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।